तक खत्म हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूएसए के 3 सैनिक दिखाए जाते हैं। ये तीनों सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें जर्मन सैनिकों को दिखाया जाता है। ये जर्मन सैनिक यूएसए के 3 सैनिकों पर अचानक से हमला करके इन तीनों सैनिकों को मार देते हैं। यह इस फिल्म का इंट्रो होता है। इस इंट्रो के बाद हमें 3 वीक के बाद एक सीन में दिखाया जाता है। एक लेडी जिसका नाम जोसेफिन मैकनामेरा होता है, यह लेडी रेलवे स्टेशन पर किसी का वेट कर रही होती है। तभी जेम्स नाम का एक आदमी आकर उसे अपने साथ चर्च स्कूल में ले जाता है। फिर हमें चर्च स्कूल दिखाया जाता है। इस चर्च स्कूल में एडिलिया नाम की लड़की को किताब पढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी एक दोस्त आकर उसकी किताब के बारे में पूछने लगती है। वह कहती है यह एल्केमी विद्या की किताब है और इस किताब की विद्या में जो महारत हासिल कर लेता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तभी इसी बीच ईडा नाम की एक लड़की उनके कमरे में आती है। वह अपने साथ सिस्टर को लेकर आती है। सिस्टर उनसे पूछती है कि तुम दोनों वायर में क्यों नहीं हो। फिर सिस्टर उनसे किताब के बारे में पूछती है और कहती है शायद लीना ने यह किताब दी होगी। और सिस्टर किताब को लेकर लीना के पास जाती है। सिस्टर इस किताब को लेकर लीना को भला बुरा कहती है। इसी बीच एक दूसरी सिस्टर आकर पहली सिस्टर से कहती है कि आपसे कोई लेडी मिलने आई है। फिर उस लेडी जिसका नाम मैकनामेरा होता है और पहली सिस्टर के बीच उनकी मुलाकात को दिखाया जाता है। और सिस्टर उनसे पूछती है कि क्या आप यह काम जो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने का था, और मिस मैकनामेरा हाँ बोल देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चर्च स्कूल का एक डाइनिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी 2 लड़के मिलकर एक तीसरे लड़के को बुली करते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी एक लड़की जो कि ईडा होती है वह सिस्टर के पास जाती है और सिस्टर को लेकर आती है। सिस्टर उनकी लड़ाई खत्म करवाती है और उन दोनों लड़कों को सजा के तौर पर डिमेरिट कर देती है। और उस तीसरे लड़के को जिसकी पिटाई हुई होती है उसे दूसरी सिस्टर के पास ले जाने को कहती है। लेकिन लीना, एडिलिया और एक तीसरी लड़की ये तीनों मिलकर ही उस लड़के का इलाज करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सेना के एक अधिकारी को दिखाया जाता है जो कि मिस मैकनामेरा से मिलने आया था। फिर हमें उस अधिकारी और मिस मैकनामेरा के बीच मुलाकात को दिखाया जाता है जिसमें अधिकारी कहता है कि आपके पति पैट्रिक 3 दिसंबर को अपनी ड्यूटी करते मारे गए। और यह सुनकर मिस मैकनामेरा रोने लगती है। तभी सिस्टर उनको सपोर्ट करती है और अधिकारी वहां से जाने लगता है। और दूसरी सिस्टर को मिस मैकनामेरा के पति की चीजें जो उसके पास थी वे देने लगता है, जिसमें एक ताबीज, बहुत सारे खत और किताब थी। ये वही किताब है जो जर्मन कर्नल के पास थी। तभी हमें बताया जाता है कि उस किताब को ईडा नाम की लड़की अपने पास रख लेती है और उसको देखने और पढ़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वह एक प्राचीन अनुवाद किताब लेकर अपने लड़के दोस्त के साथ पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद ईडा उस किताब से एक मंत्र को सीख लेती है और उस मंत्र को बोलने लगती है। इस मंत्र के कारण प्राचीन किताब से लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है और यह देखकर ईडा का दोस्त लड़का उसे विच कहकर भाग जाता है। तभी उस लड़के को कोई राक्षस जो हमें नहीं दिखाया जाता है उसे पकड़ लेता है। इसी बीच उस लड़के की आवाज़ सुनकर ईडा भी बाहर जाती है और राक्षस को देखकर भागने लगती है। लेकिन वह राक्षस उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। ईडा के चिल्लाने से लीना जो कि सोई हुई थी जग जाती है और अपने रूम से बाहर आकर देखने लगती है और ईडा की आवाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर ईडा और उसका दोस्त था। वहाँ ईडा नहीं मिलती, लेकिन वहाँ वो किताब होती है जिसे पढ़ने की कोशिश ईडा कर रही थी। लीना उस किताब को उठा लेती है। तभी हमें एक दूसरे सीन में उसी रात एक छोटे बच्चे को चर्च स्कूल के दरवाजे पर दिखाया जाता है, जिसे दूसरी सिस्टर आकर चर्च स्कूल के अंदर ले लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे ईडा की बात कर रहे थे, क्योंकि उस रात से ईडा गायब हो गई थी और किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वह कहाँ गई है। इसी बीच उस छोटे बच्चे को भी दिखाया जाता है जो उसी रात चर्च स्कूल में आया था, जिस रात ईडा गायब हुई थी, और उस छोटे बच्चे को दो लड़के चिढ़ाने लगते हैं। तभी पहली सिस्टर आकर उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इसी बीच मिस मैकनेमेरा को दिखाया जाता है, जो वापस अपने घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर कॉल करती है ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए, लेकिन क्रिसमस होने के कारण कोई ट्रेन नहीं मिलती। सीन शिफ्ट होकर लीना पर आता है, जो उस बुक को जो उसे रात में मिली थी उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और लीना को पता चलता है कि कैम्पस नाम का एक राक्षस है। ये वही राक्षस है जिसने ईडा और उसके दोस्त को पकड़ा था। इस बीच सिस्टर उस छोटे बच्चे से उसका नाम पूछती है और बच्चा अपना नाम निकोलस बताता है। इस बीच लीना तेजी से आगे बढ़ती हुई पहली सिस्टर से मिलने आती है, और जैसे ही सिस्टर से मिलती है लीना कहती है कि हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। तभी अचानक से छोटा बच्चा निकोलस आ जाता है, जिसे देखकर लीना बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एडिलिया सिस्टर के ऑफिस में वो बुक लेने जाती है जो सिस्टर ने उससे ले ली थी। इस किताब में तरकीब बताई गई होती है जिससे किसी को भी होश में लाया जा सकता है। तरकीब बहुत अजीब थी। इसमें चूहे की पूंछ काटकर बेहोश व्यक्ति को सुंगाना था। खैर, इस किताब के सहारे लीना होश में आ जाती है। एक दूसरे सीन में दो लड़के जो डाइनिंग रूम में छोटे बच्चे को डरा रहे थे, वे दोनों उस छोटे बच्चे के रूम में जाते हैं। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होकर तेज आवाज आती है और दोनों सिस्टर उस छोटे बच्चे के रूम की ओर जाने लगती हैं। जैसे ही दोनों सिस्टर कमरे में जाती है, उन पर कोई हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। इस बीच लीना उस किताब को लेकर अपने बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर एक घेरे में एक मंत्र को बोलने लगती है, जिससे एक रोशनी उत्पन्न होती है, जिसे देखकर राक्षस क्रैम्पस वापस चला जाता है। यहीं पर उस राक्षस की पहली झलक दिखती है। इस बीच मिस मैकनेमेरा एक सपना देखती है जिसमें उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि तुम ही सभी को इस राक्षस से बचा सकती हो और तुम्हारी सुरक्षा गले में पहना हुआ ताबीज करेगा। तभी अचानक से मिस मैकनेमेरा जग जाती है और अपने कमरे से बाहर आती है। वह देखती है दोनों सिस्टर, जेम्स और फादर सभी की मृत्यु हो चुकी है। इन सभी को उस राक्षस उसने मारा था। इस बीच मिस मैकनेमेरा उस रूम में जाती है जहाँ पर लीना और उसके दोस्त थे। लीना मैकनेमेरा के गले में ताबीज देखकर उससे पूछती है, यह आपको कहाँ से मिला? तो मैकनेमेरा बोलती है कि यह मुझे मेरे पति की चीजों में से मिला। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, ये क्या है? लीना बोलती है, हथियार जो हमें चाहिए। तभी मैकनेमेरा बोलती है कि किस लिए और ये क्या चीज है जिससे हम लड़ रहे हैं? तभी लीना बोलती है कि वह एक राक्षस है जिसका नाम क्रैम्पस है। तभी अचानक से एक झटका लगता है, जिससे मैकनेमेरा उस रूम से बाहर हो जाती है और रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। मैकनेमेरा रूम के बाहर से लीना लीना चिल्लाने लगती है। तभी पूरा चर्च स्कूल हिलने लगता है और मैकनेमेरा सीढ़ियों की सहायता से नीचे आने लगती है। तभी उसे अपने सामने निकोलस दिखता है। तभी सीन के इसी हिस्से में रूम बंद बच्चों को दिखाया जाता है। उसमें से एक लड़का रूम का दरवाजा खोलने जाता है तो उसका हाथ जल जाता है। रूम का दरवाजा गर्म होके लाल हो जाता है। दरवाजे पर कोई जादुई मंत्र किया होता है। तभी लीना इस मंत्र का तोड़ किताब में ढूंढने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होकर निकोलस पर आता है। इस सीन में निकोलस को राक्षस क्रैम्पस बनते हुए दिखाया जाता है। तभी क्रैम्पस मैकनेमेरा पर हमला करता है, लेकिन ताबीज होने के कारण मैकनेमेरा को कुछ नहीं होता। दूसरे सीन में हमें रूमबंद बच्चों को दिखाया जाता है, जो किताब के सहारे उस रूम का दरवाजा खोल लेते हैं और बाहर मैकनेमेरा के पास आ जाते हैं। तभी क्रैम्पस क्रैम्पस मैकनामेरा पर और बच्चों पर फिर से हमला करता है। इस बार वो लीना को अपने साथ ले जाता है। तभी मैकनामेरा और दो बच्चे उस किताब के साथ बाहर की ओर भागते हैं और चर्च स्कूल से बाहर आ जाते हैं और पूरा चर्च स्कूल जलने लगता है और राक्षस क्रैम्पस उनका पीछा करने लगता है। तभी मैकनामेरा उस प्राचीन किताब को पढ़ने लगती है। उसे प्राचीन लिपि पढ़ना आती थी। तभी क्रैम्पस आकर एक और बच्चे को पकड़ लेता है। तभी मैकनामेरा ताबीज लेकर कोई मंत्र बोलने लगती है। तभी आखिरी बच्चे को भी क्रैम्पस पकड़ लेता है। तभी मैकनामेरा मंत्र बोलने लगती है और तभी क्रैम्पस उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है और मंत्रों के प्रभाव से क्रैम्पस वापस उस किताब में बंद हो जाता है। इसी सीन में बच्चों की वापसी भी दिखाई देती है। सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैकनामेरा ने उस किताब को जंगल में गाड़ दिया है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।